आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी से परेशान है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन इस समय में भी कुछ लोग अभी के नाजुक स्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। सुभाष भी उनमें से एक है। सुभाष अपने पूरे परिवार के साथ इस दौर में भी मजे में था। ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, ये बस सरकार की बदमाशी है लोगों में डर पैदा करने के लिए। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लोग झूठ मूठ का इतना परेशान हो रहे हैं। ये लॉकडाउन पता नहीं क्यों लगाया गया है। ये सब उनकी काम वाली कमला सुन रही होती है। मैडम, मैं कल से काम पर नहीं आऊंगी, कल से लॉकडाउन लग रहा है ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर मेरे कारण मेरे बच्चों को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। दिमाग तो तेरा ठिकाने पर है ना कमला, तू नहीं आएगी तो ये सारा काम कौन करेगा, तेरा बाप। ज्यादा होशियारी मत कर, चुपचाप से आ जाना, नहीं तो तुझे काम से निकाल दूंगी। मैडम, लेकिन सरकार ने तो कहा है कि हम जैसे लोगों को राशन मुफ्त में दिया जाएगा और जहां हम काम करते हैं वहां से हमारी पगार आती रहेगी। कौन सी पगार, जब तू आएगी ही नहीं तो तुझे कहां से मिलेगी पगार, सरकार से ही जाकर ले ले। अभी ना सरकार तुझे मुफ्त में राशन दे रही है, लेकिन जब वापस सब सही हो जाएगा तब कौन देगा, उस वक्त तुझे काम की जरूरत पड़ेगी ना। क्या करें मैडम, हम गरीब हर तरफ से मारे जाते हैं। ठीक है, आ जाऊंगी मैं छुप छुपा के। अगले दिन कमला किसी तरह छुप छुपा कर प्रीति के यहाँ काम करने आ जाती है। प्रीति के घर के अगल बगल में भी कुछ लोगों को कोरोना हो जाता है। मैडम, सबको बहुत डर लग रहा है, आपके घर के बगल में भी किसी को कोरोना हुआ है, आप लोग सब मास्क क्यों नहीं लगाते। क्या रही कमला, तू पागल तो नहीं हो गई है, दिमाग ही खराब कर रखा है तूने कल से। क्या पहले लोगों को खांसी सर्दी नहीं हुआ करती थी, अब कौन सी नई बात हो गई है, मैं नहीं लगा रही कोई मास्क वास। कमला अनपढ़ होते हुए भी मास्क और ग्लव्स लगाकर निकलती थी, लेकिन बेचारी क्या करती, जब उसकी मालकिन के घर में ही कोई मास्क नहीं लगाता तो वो क्या करती। अगले दिन कमला को पता चलता है कि उसके पति को कोरोना हो गया है। कमला प्रीति को फोन करती है। मैडम, मैं काम पर नहीं आ सकती हूँ, आप मेरी पगार दे दो, मेरे पति को कोरोना हो गया है, उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाना है। मेरे पास अभी पैसे नहीं है और मैं नहीं दे सकती हूँ अभी, ऐसे भी कौन सा तेरा पति तुझे कुछ देता है, मरने दे उसे। ये क्या कह रही है मैडम आप, कैसे मरने दे सकती हूँ मैं उन्हें, पति है वो मेरे। किसी गरीब की बद्दुआ मत लो मैडम, मुझे पैसे दे दो वरना मेरा पति मर जाएगा, आपके पास पैसों की क्या कमी है, मुझ गरीब का भला हो जाएगा। नहीं दूंगी मैं पैसे, मत आना तू कल से काम पे, मैं किसी और को रख लूंगी। कमला रोते हुए फोन रख देती है और पैसों की जुगाड़ में जुट जाती है। किसी तरह वो पैसे जमा करके अपने पति को अस्पताल में भर्ती करा देती है। इधर मालकिन के बेटे कृष की तबीयत खराब हो जाती है। कृष को बुखार है सुभाष, हमें इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तुम घबराओ मत प्रीति, मैं डॉक्टर को यहीं बुला लेता हूँ। आपके बेटे में तो कोरोना के लक्षण हैं, मैं इसे छू नहीं सकता, आप इसे जल्दी अस्पताल में भर्ती करवाइए, इसका ऑक्सीजन लेवल तो गिरता ही जा रहा है, कहीं देर ना हो जाए। सुभाष और प्रीति रोने लगते हैं और जल्दी ही एक बड़े अस्पताल में कृष को ले जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ बेड नहीं मिलता। उनके बेटे को आईसीयू बेड की जरूरत थी, पर यहाँ तो उन्हें एक नॉर्मल बेड भी नहीं मिल पाता है। सुभाष बड़ी बड़ी हस्तियों को कांटेक्ट करता है ताकि उसके बेटे के लिए बेड मिल सके, लेकिन उस वक्त कोई भी कुछ भी नहीं कर पाता। मुश्किल से एक नॉर्मल बेड का जुगाड़ हो पाता है और वो लोग कृष को भर्ती कर देते हैं। भगवान मेरे बेटे को बचा ले, हम लोगों ने बहुत लापरवाही की है, मुझे मेरी गलतियों पर पछतावा हो रहा है, हम लोगों ने हैंड ग्लव्स, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। मुझसे समझदार तो वो कमला है जो अनपढ़ होते हुए भी सरकार के नियमों का पालन कर रही थी। तुम चिंता मत करो प्रीति, मैं हूँ ना, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। सुभाष गहरी चिंता में रहता है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जुगाड़ में वो खुद निकल जाता है। बेटी का मुंह उससे वो सब करवा देता है जो वो कभी नहीं करना चाहता था। इधर सिलेंडर का जुगाड़ हो जाता है, पर सुभाष की हालत धीरे धीरे बिगड़ने लग जाती है। प्रीति बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, उसके बेटे और पति दोनों की हालत सीरियस हो जाती है। प्रीति कमला को कॉल करती है। कमला, तू घर आके संभाल ले, तेरे सर और कृष दोनों अस्पताल में भर्ती है, दोनों को कोरोना हो गया है, मैंने तेरी बात न मानकर बहुत बड़ी भूल की, मुझे समझ आ गया है कि तेरे दिल पर क्या बीत रही होगी जब तेरे पति को कोरोना हुआ था,
मुझे माफ कर दे, मैंने उस वक्त तेरी मदद नहीं की। मैडम कोई बात नहीं, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। और आप चिंता मत कीजिए, भगवान कृष और सर को जल्दी ही पहले जैसा कर देंगे। कृष की हालत में अब धीरे धीरे सुधार आने लगता है। वो सारे रिश्तेदार जो पहले सुभाष के यहाँ आया जाया करते थे, आज कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं आते। प्रीति को समझ आ जाता है कि पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन अपनापन नहीं। बुरे वक्त में कोई किसी का साथ नहीं देता। मेरा मन नहीं लग रहा है, नर्स मुझे मेरी माँ से मिलने दो। बेटा आपकी मम्मी यहाँ नहीं आ सकती, थोड़े दिन की बात है, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे, तब अपनी मम्मी से मिल लेना। कृष रोने लगता है और बहुत जिद करता है, लेकिन नर्स उसे समझा बुझा कर आराम करने को कहती है। अकेलेपन से कृष की हिम्मत टूटती चली जाती है। वो बार बार ऑक्सीजन मीटर की तरफ ही देखता रहता है। उधर सुभाष को कृष की ही चिंता सताती रहती है। वो मन ही मन सोचता है, मेरी प्रीति का क्या ही हाल हो रहा होगा, हे भगवान तू मुझे अपने पास बुला ले, लेकिन मेरे बेटे को बचा ले। पैसे की घमंड में मैंने बहुत लोगों का दिल दुखाया है, बहुत गरीबों पर अत्याचार किया है, अपने आगे मैंने कभी किसी को कुछ नहीं समझा, लेकिन इस हालत में मुझे समझ आ रहा है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ये सब सोचते सोचते उसकी सांसें फूलने लगती हैं और वो तुरंत दम तोड़ देता है। जैसे ही कृष को अपने पिता की मौत की खबर मिलती है, उसकी भी हालत बिगड़ने लगती है और वो भी दम तोड़ देता है। प्रीति रो रो कर बेहाल हो जाती है और कमला से कहती है, अब मैं जी कर क्या करूंगी, जब मेरा सुहाग और मेरा बच्चा ही नहीं रहा, इन दोनों के बिना मैं कुछ नहीं हूँ। कैसी अभागन हूँ मैं, जो सब कुछ होते हुए भी इन दोनों के अंतिम संस्कार तक ना करवा पाई। ऐसे पैसों का मैं क्या करूंगी। खुद को संभालिए मैडम, इस कोरोना ने कई लोगों की जान ली है, कितनों के घर उजाड़ दिए हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं मैडम, आप सब भगवान पर छोड़ दीजिए। मैं सुभाष और कृष को तो नहीं बचा पाई, लेकिन अब उन लोगों की मदद करूंगी जो इस महामारी से जूझ रहे हैं, शायद किसी का घर उजड़ने से बच जाए। प्रीति अपनी सारी प्रॉपर्टी कोरोना से पीड़ित लोगों की मदद करने में लगा देती है। कमला और प्रीति मिलकर लोगों की सेवा